राजनीतिक परिवार में शादी के बाद कैसे बदल गई शीला दीक्षित की जिंदगी। प्रभावशाली विनम्र और हमेशा मुस्कुराते रहने वाली शीला दीक्षित का विगत अन्य राजनेताओं के तुलने में कुछ हटकर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, कश्मीर मुद्दों पर हल होकर रहेगा धरती पर, ऐसा कोई ताकत नहीं रोक सकती। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, संस्कृत गाने बिना भारत के पूरी तरह समझना मुश्किल। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार कहा कि संस्कृत को जाने बिना भारत को पूरी तरह समझना मुश्किल है। केरला के अपने एक मंत्र महिला संसद के लिए चंदा इकट्ठा कर कार खरीदेगी युवा कांग्रेस। केरला में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के युवा सांसद रामी हरदीश के कार देने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटाने का फैसला किया। शीला दीक्षित के बेटी सोनिया गांधी ने लिखा पत्र, कहा कि उन्होंने आखिरी समय तक कांग्रेस की सेवा। कांग्रेस संदेह दिल के नेता के सोनिया गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने निधन पर दुख जताते हुए शनिवार को कहा कि उन्होंने दिल्ली और पार्टी के लिए पूरे संपूर्ण के साथ काम किया। शीला दीक्षित के श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीनियर बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी। दोपहर 2:30 बजे होगी अंतिम संस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के अंतिम संस्कार आज दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर किए जाएगा। आसाम के बाढ़ में 12 लोगों की जान, बिहार में हालत बुखरे। आसाम राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण SSDM के बाढ़ संबंधी बुलेटिन के अनुसार मिर्जागांव के जिले में 3 लोगों के बारपेट में 3, तिचड़ सलामार में 2 और नलबड़ी एवं दुबारी जिले में 1-1 विकेट की मौत होने से ये है आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। शीला दीक्षित के राहुल गांधी का ये था आखिरी संदेश, हार जीती तो पार्टी हिंसा लड़ाई जारी रखो। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बीते 8 जून को राज्यपाल अनिल बिजैल को पत्र लिखकर क्षेत्र में बढ़कर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की थी। दीक्षित का पत्र मुखर्जी नगर इलाके के पुलिस कर्मियों द्वारा कथित रूप एक टेम्पो चालक की थी पिटाई। ऋतिक रोशन फिल्म सुपर का तूफानी प्रदर्शन कमाया। ऋतिक रोशन हार्दिक रोशन की फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। आजम खान के बयान पर भड़के बॉलीवुड एक्टर, कहा कि अब जा सकते हैं पाकिस्तान, दिलवाता हूं टिकट। बॉलीवुड एक्टर के आरके ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को लेकर एक ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।